हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द टेस्टी बाइट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वॉच, लाइक एंड एंजॉय द रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के लिए नवरात्रि में खाए जाने वाले डोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये डोसा बहुत ही हेल्दी है और इसमें हर एक तरह के न्यूट्रिशंस आपको मिल जाएंगे। जब आप फास्ट में हैं तो आपको ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी और आपके सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिशन की वो सभी फुलफिल होंगी। तो आइए बनाते हैं। यहाँ मैं हाफ कटोरी समा का चावल ले रही हूँ और इसे हम एक अलग कटोरी में भिगो देंगे और एक अलग कटोरी में 1/3 साबूदाना ले रही हूँ। इसे भी हम पानी में भिगोकर लगभग 2 घंटे के लिए रख देंगे और तब तक आइए हम मूंगफली की चटनी बनाते हैं। इसके लिए हम एक पैन में 1 कटोरी मूंगफली लेंगे और इसे रोस्ट करेंगे। यहाँ मैंने इसमें एक रेड चिली डाली है। अगर आप व्रत में ना खाते हो तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, इसे मत डालें। इसे हम हिलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे। अभी रोस्ट हो चुकी है, इसे मैं अलग प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इसकी मिर्ची हटाकर और इसे हम अच्छे तरीके से दोनों हाथों के बीच में मसलते हुए इसके सारे छिलकों को निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा आप हिलाकर साइड करेंगे तो इसके छिलके और ये दाने अलग हो जाएंगे। छिलकों को हटा देंगे और हम दानों को मिक्सी में पीसने के लिए ले लेंगे। यहाँ मैंने एक मिक्सी जार लिया है और इसमें 1 कटोरी नारियल, 2 हरी मिर्च, मूंगफली के दानों को डाल दूंगी। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और थोड़ा पानी डालकर हम मिक्सी में पीस लेंगे। इसे हम बिल्कुल फाइन पीसेंगे। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से पीस चुकी है। पानी की रिक्वायरमेंट हो तो और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। और आइए हम इसके लिए एक तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने के पैन में 2 चम्मच घी लिया है और 1 छोटी स्पून जीरा डालूंगी, 1 लाल मिर्च और थोड़ी सी करी पत्ता डालकर हम इसका एक तड़का तैयार कर लेंगे। और इसे हम चटनी के ऊपर डाल देंगे। हमारी मूंगफली और नारियल की चटनी तैयार है। और आइए हम इसी पैन में 1 टेबल स्पून घी लेंगे ½ टीस्पून जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी करी पत्तों को हाथों से तोड़कर डाल लेंगे। और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इन सबको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। और अब मैं यहाँ एक छोटी टमाटर को कट करके डाल रही हूँ और इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 बॉइल्ड आलू लिया है जिसे हाथों से रफली क्रश कर लिया है, इसे मैं डाल ले रही हूँ और थोड़े से मूंगफली के दानों को रोस्ट कर क्रश कर लिया है, इसे भी डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालकर हम अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक, और इसमें थोड़ी सी पानी के छींटों को मारेंगे और इसे फिर हम वापस से अच्छी तरह से मिलाते हुए भून लेंगे। और इसमें अब मैं थोड़ी सी हरी धनिया को बारीक कट करके डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से आपस में मिला देंगे।
अब हमारा आलू बिल्कुल तैयार है, आइए इसे निकाल लेते हैं। हमारा आलू बहुत ही अच्छी तरह से बन गया है और बहुत अच्छी दिख रही है। और अब लगभग 2 घंटे हो गए हैं, हमने जो समा का चावल और साबूदाना भिगोया था उसका पानी निकाल लिया है और अब हम इसे एक ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट भी हम दोनों का अलग अलग ही बनाएंगे। ये मैंने साबूदाना का पेस्ट बना लिया है और पेस्ट हम थोड़ा बारीक ही बनाएंगे, थोड़ा पतला बनाएंगे। और ये मैंने समा के चावल का पेस्ट बना लिया है और अब हम इन दोनों को एक साथ एक बॉल में मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर कर मिक्स कर लें। अगर आपको थोड़ी सी गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से थोड़ा पानी मिला सकते हैं। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून सेंधा नमक मिला रही हूँ और अब हम इसका डोसा बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक डोसा पैन लिया है और इसे हाई फ्लेम पे हम गर्म करेंगे और इसमें थोड़ा पानी का छींटा डालें और एक हल्के से गीले कपड़े से आप इसे पोंछ लें। एक से दो बार आप इस पे पानी डालें और एक गीले कपड़े से पोंछ लें। अब हमारा पैन बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब इसमें एक फ्लैट कटोरी लेंगे और उसमें डोसा के बैटर को लेंगे, बीच में डालेंगे और उसे बिल्कुल सर्कुलर मूवमेंट में कंटिन्यूसली इसे हल्का सा प्रेस करते हुए डोसे के आकार में घुमा लेंगे। और अब इसके ऊपर हम 1 या 2 चम्मच घी चारों तरफ फैलाएंगे और उसे पकने देंगे। जब इसके साइड खुद से पैन को छोड़ने लगी तब आप इसको पलट दें और दूसरी साइड भी हम थोड़ा सा घी डाल लेंगे और इसे थोड़ा क्रिस्पी बना लेंगे। हमारा डोसा बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गया है, आप इसका कलर देख रहे होंगे। तो हमारा डोसा बनकर बिल्कुल रेडी है और ये काफ़ी क्रिस्प बनी है। तो आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसके साथ हमने जो नारियल और मूंगफली की चटनी बनाई थी वो सर्व कर रही हूँ और साथ में आलू को सर्व कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारा डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये खाने में भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। आप इसे चाहे तो धनिया और पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे व्रत में ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही हेल्दी है। इसकी चटनी में नारियल है, मूँगफली है, जो कि हमें पूरे दिन के लिए काफ़ी एनर्जी देती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।